है लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। थाना बसई मोहम्मदपुर क्षेत्र शंकरपुर निवासी रमेश चंद्र पुत्र वेदारी लाल 12 मार्च को थाना लाइनपाड़ क्षेत्र चारबाग से गायब हो गया था। पता चला कि उसका अपहरण कर लिया गया था और बाद में उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। एसएसपी सचिंद्र पटेल के आदेशानुसार उनके निर्देशन में गठित टीम ने थाना प्रभारी लाइनपाड़ संघ दो अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया है, जिन्होंने घटना को अंजाम देने का खुलासा किया। उक्त मामले में वार्ता के दौरान एसपी सिटी प्रबल प्रताप सिंह ने कार्यालय पर बताया कि थाना प्रभारी लाइनपाड़ संजय सिंह अपनी टीम संग चेकिंग कर रहे थे, तभी मुखबिर की सूचना पर गीतम सिंह उर्फ शास्त्री पुत्र चंद्रपाल सिंह निवासी एरई थाना नारकी एटा के थाना जलेसर क्षेत्र नगला गंगा निवासी विनोद कुमार पुत्र महिपाल और उनको गिरफ्तार किया। बताया गया कि पूछताछ पर दोनों ने बताया कि रमेश चंद्र तांत्रिक विद्या जानता था, तांत्रिक विद्या से नोट बनाता था। हम व हमारे साथियों ने करीब 2,50,000 रुपये रमेश के ऊपर खर्च कर दिए थे, किंतु उसके एवज में रमेश चंद्र ने रुपये बनाकर नहीं दिए, जिसे 12 मार्च को थाना लाइनपाड़ क्षेत्र गुरुनगर चारबाग से उसका अपहरण कर लिया गया। वहां उससे रुपए बनाने को कहा, उसने नहीं बनाए। दोनों ने एक राय होकर उसका गला दबाकर हत्या कर दी। वीरो उर्फ वीर बहादुर मुनेश व संतोष कुमार ने रमेश चंद्र के हाथ पैर पकड़े। बताया कि हम दोनों ने गला दबा दिया। शव को छुपाने के लिए एक प्लास्टिक के बोरे में रख आगरा के थाना बरहन क्षेत्र ग्राम गडा नदी के जंगल में रोड किनारे स्थित एक गहरे कुएं में डाल दिया। शव को वहाँ से बरामद कर लिया गया है। क्या है पूरा मामला? देखिए, आपकी जानकारी भी लाना चाहूँगा। ये बसई मोहम्मदपुर का रहने वाले रमेश जो है 12 मार्च से गायब चल रहे थे। लगभग 50 वर्ष की उम्र थी और इनके बारे में ये बताया जा रहा था कि ये तांत्रिक का कार्य करते हैं, कुछ कुछ उपाय और टोटके दूसरे लोगों को बताते थे। तो ये विनोद और गीतम सिंह गेहर के संपर्क में आए। इनका कहना ये है कि इसके द्वारा बताया गया, मृतक के द्वारा, कि यदि उसे 10,000 रुपये उपलब्ध करा दिए जाएँ तो उसके बदले में वो 1,00,000 रुपये उनके बना देगा किसी तरीके से उपाय करके, तांत्रिक उपाय करके। तो इन लोगों ने अपने साथियों के साथ मिलकर के लगभग 2,50,000 रुपये इसको दे दिए। उसके बदले में ये 10 times उसके रुपये चाहते थे, परंतु वो किसी भी तरीके से रुपये नहीं बना पाया। तो 19 तारीख को इन्होंने इसको किडनैप किया, 12 तारीख को इन्होंने किडनैप किया। उसके बाद में इसको किडनैप करके ये इसे लगातार प्रयास करते रहे कि ये इनको रुपये बना के दे, और इन्होंने इसको एक स्थान पर रखा। परंतु 7 दिन तक जब ये रुपये नहीं बना पाया तो उसके बाद इन्होंने इसकी गला दबा करके हत्या कर दी। गला दबा करके हत्या करने के पश्चात में इसको बरहन थाना क्षेत्र आगरा में एक कुएं में इसको अपने साथियों के साथ मिलकर के डाल दिया। इसमें से 2 मुख्य अभियुक्त जिनके द्वारा ये शुरुआती में बुलाया गया था उनको गिरफ्तार किया गया है। इनके अन्य 5 साथी भी फरार हैं जिनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। ये सर 2,50,000 जो रुपया लोगों ने दिया था, कितने लोग थे, उन्होंने कितने लोगों ने एकत्रित करके पैसा दिया था? कुल मिलाकर के ये 7 लोग हैं जिसमें से 2 गिरफ्तार हैं। इनके 5 अन्य साथी हैं जिनको ये लालच था कि वो इनके जो पैसे देंगे उसके 10 times बढ़ा के देगा, परंतु ऐसा नहीं हो पाया जिसके कारण से इसकी हत्या कर दी गई। उसमें 7 लोग शामिल थे हत्या में? जी हाँ, 7 लोग शामिल। आपके अपने शहर फिरोजाबाद में बेहतर सुविधाओं के साथ आपका अपना डॉक्टर दयानंद जैन मेमोरियल हॉस्पिटल, यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। सभी प्रकार के रोगों के लिए काय चिकित्सक द्वारा परामर्श उपलब्ध, फोन द्वारा रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध, ऑपरेशन सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी की सुविधा, गर्भपात की सुविधा, कॉल्पोस्कोपी, फ्रीडम 5, कॉपर टी की सुविधा, नेबुलाइजर की सुविधा, अल्ट्रासाउंड की सुविधा, स्टेट में सुविधा आदि सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। डॉक्टर बीना जैन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, पूर्व मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, डॉक्टर शिखा जैन, पता जैन नगर फिरोजाबाद, कॉन्टैक्ट नंबर 8439827781।